15 टन पर डे कैपेसिटी दाल प्लांट। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड 5000 स्क्वायर फीट, हाइट मिनिमम 35 फीट। ये कच्चे की होगी, यहाँ पे माल खाली होगा, बोरी यहाँ पर कटेगी। ये कच्चे का एलिवेटर जो ऊपर ड्रम सीव में छनाई के लिए माल को भेजेगा। नीचे प्रोसेसिंग यूनिट है, ऊपर कच्चे के झारे और रूल के झारे, ओपन पैन, बिन, सब प्लेटफार्म के ऊपर। प्रोसेसिंग से जो 2 नंबर और 1 नंबर की क्वालिटी अलग होती है, उसमें 2 नंबर की बिन में स्टोर हो जाती है और 1 नंबर प्रोसेसिंग में आगे चला जाता है। अभी काबली चना चल रहा है। सारे बिन्स हैं जिनमें माल स्टोर किया जाता है। चना 100 बैग के 5 बिन्स, 500 बैग कैपेसिटी, 500 क्विंटल कैपेसिटी स्टोरेज। ये कच्चे का एलिवेटर है, यहाँ से रॉ मटेरियल उठकर ड्रम सीव इसमें सबसे पहले छनाई होगी, मिट्टी और मोटा मोटी लकड़ी इसमें क्लीन हो जाता है। उसके बाद मटेरियल ये एलिवेटर उठाकर ये 8 जाली का डबल झारा, इसके अंदर मिट्टी, लकड़ी, कांट, चनी और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का चना अलग हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड का चना प्रोसेसिंग में चला जाता है आगे प्लांट में, और सेकंड ग्रेड का चना बिन्स में स्टोर हो जाता है नेक्स्ट टाइम प्रोसीजर के लिए। फर्स्ट ग्रेड का चना नीचे जो रूल्स आपने देखे थे उनमें प्रोसेस होता है। ये दोनों रूल्स के 2 सेपरेट झारे हैं, 4 जाली के, 4 जाली का 1, 4 जाली का 2, पर्टिकुलर रूल का पर्टिकुलर सेपरेट झारा। और चक्की, जब दाल बनाने के लिए चक्की का इस्तेमाल होता है तब उसमें ये झारे दाल में काम आते हैं। हर झारे के नीचे उसके ओपन फैंस हैं, जो बोटा बनाने में जो छिलका बनता है उनको अलग करने के लिए ओपन फैंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये दाल में, दाल का ओपन फैन वो बोटे का। ये दूसरे रूल का ओपन फैन। घोटा जिसे गोलुआ भी कह देते हैं, या चने जिसके ऊपर से छिलका उतर गया हो उसका फोल्ड पार्ट, जिसका सिर्फ छिलका उतरा हो, यहाँ से छिलका सारा बाहर बिन्स में स्टोर हो जाता है। जितना भी छिलका होगा चने का वो सारा इन डस्टिंग के थ्रू, ओपन फैंस की डस्टिंग के थ्रू बाहर बिन्स में स्टोर हो जाएगा। ये पानी बाढ़ का वर्म है ऊपर, इसमें मटेरियल में पानी लग के बिन्स में स्टोर हो जाएगा बाद में प्रोसेसिंग के लिए।
जो भी हमारा चना दाल बन जाता है या बेसन बनाने के लिए घोटा बनता है वो ये एलिवेटर आगे बेसन प्लांट में ट्रांसफर कर रहा है। ये बेसन प्लांट है।